अस्सलाम वालेकुम अमीज किचन में मैं अरसला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं। बहुत शुक्रिया अमीज किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए। बहुत ही शुक्रिया सब चीज़ों के लिए। इसी तरह से देखते रहिए अमीज किचन में। आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज बनने वाली हैं। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा जो है देगी कोरमा बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। देगी कोरमा बनाने के लिए हमने ये 1 किलो गोश्त बीफ का लिया है। इसमें ये 1 पाव आलू लिए हैं और ये 3 बड़ी प्याज को देखें स्लाइस करके देखें कितना अच्छा ब्राउन कर लिया था। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है कलर, वरना कोरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। देखें कितने अच्छा सा जो है गोल्डन सा ये प्याज का कलर किया है ब्राउन। ये 1 पाव तकरीब 1 पाव दही है, 1 बड़ी प्याली दही। और ये मसाले हैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, ये थोड़ी सी जायफल और जावित्री, ये 1 टुकड़ा जो है जायफल उसका लिया है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और ये जो है 6 छोटी इलायची ली हैं और ये 6 से 7 जो है लौंगे हैं, 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च पाउडर है और ये 3 तेज़पात के पत्ते हैं 3। चलिए स्टार्ट करते हैं देगी कोरमे को, जिसमें हमने ये कुकिंग ऑयल में जिसमें प्याज ब्राउन की थी वही ऑयल यूज़ करें। ये गोश्त डाल दिया है, 1 बड़ी प्याली है ये ऑयल। ये अब जो है जीरा और गरम मसाले डाल रहे हैं साबुत, ये बहुत अच्छे से भुनेंगे गोश्त को। अब 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये सारे मसाले डाल रहे हैं। देखिए रिवर्स भुन रहा है गोश्त और जो है ये मसाले। अब तकरीबन 1 बड़ी प्याली पानी डाल रहे हैं ताकि गोश्त जो है गल जाए। 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, आप जो है ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ढक के अब रख रहे हैं, आधे या 1.5 घंटा लगेगा गोश्त को गलने में। 1.5 घंटे बाद देखते हैं। देखिए व्यूअर्स ये जो है 1/2 घंटा लगा है कोरमे ये गोश्त को गलने में। देखिए कितने अच्छे से इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये आलू डाल रहे हैं हम। और देखिए व्यूअर्स ये जो है प्याज, इसको ब्राउन प्याज को और ये दही को हम जो है पीसेंगे, ब्राउन प्याज को पीसेंगे, साथ ही जो है दही भी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है अच्छे से जो है इसको। देखिए व्यूअर्स ये जो हमने पीस लिया था अच्छे से, अब ये पूरा बैटर जो इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज का और दही का। देखिए व्यूअर्स ये जो है हमने बैटर डाल दिया है, अब 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि आलू जो है गल जाए इसके अंदर। 10 मिनट के बाद देखते हैं। और देखिए व्यूअर्स 10 मिनट बाद देखते हैं और ये डन हो गया है मज़ेदार सा देगी कोरमा। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं, देखें कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत ही अच्छे से जो है पक चुका है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से देगी कोरमे को, इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छा कलर आया है कोरमे का। और देखिए व्यूअर्स ये डन हो गया है मज़ेदार सा देगी कोरमा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से देगी कोरमे की रेसिपी को। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये रेसिपी। और अगर अभी तक आप लोगों ने अमीज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अमीज किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।